भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मनवाया योग्यता का लोहा, महंगाई से होगा जमकर मुकाबला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड से स्नातक ऋषि सुनक 42 वर्ष ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। निवेश बैंकर से राजनेता बने ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने अब देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पर लाने की विकट चुनौती होगी। लोगों को उम्मीद है कि इस दिवाली पर प्रज्वलित भारतवंशी दीप ब्रिटेन के आर्थिक अंधियारे को छाटने में समर्थ हो सकेगा। सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में भारतीय हिंदू परिवार में हुआ। उनके दादा दादी मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। फार्मासिस्ट माँ व डॉक्टर पिता के बेटे सुनक की शिक्षा ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध और महंगे स्कूलों में से एक विंचेस्टर और फिर ऑक्सफोर्ड में हुई। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप में 3 साल काम किया और फिर कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड से MBA किया। यहीं उनकी अक्षता मूर्ति से मुलाकात हुई। सुनक ने अरबपति हेज फंड मैनेजर क्रिस होने के TCI फंड मैनेजमेंट में 3 साल काम किया। इसके बाद वे अपने TCI सहयोगी पैट्रिक डेगोर्स के हेज फंड थेलेम पार्टनर्स में शामिल हो गए। सुनक 2015 में रिचमंड यॉर्कशायर से पहली बार संसद सदस्य बने। उन्होंने बतौर सांसद भगवत गीता के नाम पर शपथ ली। फरवरी 2020 में उन्हें ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट पद वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया। पूर्व PM बोरिस जॉनसन ने कोरोना के कारण जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाया तब सुनक ने लाखों लोगों की नौकरियां बचाने के लिए व्यापक वित्तीय पैकेज घोषित किया। महंगाई बनी मुश्किल। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऊंची महंगाई दर और बढ़ती ब्याज दरों के संकट का सामना कर रही है। यूक्रेन युद्ध ने इस साल दूसरी बार ऊर्जा बिलों को बढ़ा दिया है। पौंड कमजोर है, यह सुनक के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। सुनक का पहला काम ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्वसनीयता बहाल करना होगा। लिज ट्रस्ट की कर कटौती की योजना ने बांड बाजार को हिला दिया था। हिंदू पहचान और भारतीय जड़ों पर गर्व ऋषि को अपने हिंदू होने और अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व रहा है, इसलिए वित्त मंत्री बनने के बाद पहली दिवाली मनाते हुए वे अपने आवास 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी दिवाली के दिए जलाते नजर आए थे।